अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो यूरोप का कंट्री हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है साइप्रस। साइप्रस को उर्दू में जो है वो कब्रस भी कहा जाता है, कब्रस। दोस्तों साइप्रस जो है, इसका कैपिटल की बात की जाए तो इसका कैपिटल सिटी है जो है वो निकोशिया है। और अगर यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर यूरो राइज है, क्योंकि इन्होंने जो है वो 2004 के अंदर जो है यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन किया था, तो तब से जो है इनकी करेंसी यूरो है। दोस्तों अगर यहाँ पर गवर्नमेंट की बात की जाए कि यहाँ पर किस तरीके का तरीके हुकूमत राइज है, तो यहाँ पर बेसिकली एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक वो कंट्री होता है जिसमें बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मौजूद होती है, वो आइदर पार्लियामेंट्री हो या प्रेसिडेंशियल हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो अगर हम इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर जो है नॉर्दर्न साइड पर जो है वो माउंटेन्स हैं, और क्रेनिया की माउंटेन्स जो है वो नॉर्दर्न साइड को सराउंड करती हैं, क्रेनिया की माउंटेन। और इसके अलावा जो यहाँ के जो हाईएस्ट पॉइंट है वो बेसिकली माउंट ओलंपस है। माउंट ओलंपस जो है वो आपको पता है कि बालकान माउंटेन्स रेंज में आती है, और ये जो ग्रीस है, ग्रीस का भी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट ओलंपस है। बेसिकली ये उनके बॉर्डर पर भी मौजूद है, दोनों जो कंट्रीज है उसको शेयर करते हैं। रिवर्स यहाँ पर जो है वो सीजनल है, बारिश होती है तो वो चल पड़ते हैं। उसके अलावा उन्होंने उस पर रिजर्वायर्स बनाई हुई है ताकि जो है वाटर को स्टोर किया जा सके। तो इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी हिस्ट्री की हम बात करें कि साइप्रस की हिस्ट्री क्या रही है, तो 647 में जो हजरत हजरत उस्मान के दौरे हुकूमत में हजरत अमीर माविया ने जो है वो पहली बहरी बीड़ा तैयार करवाया था, और जो था वो इन्होंने इन्वेट किया और ऑक्यूपाई किया कब्रस को। तो यहाँ पर जो है अरब इन्वेडर्स आए थे 647 में। उसके बाद दोस्तों ये मुसलमानों के कब्जे में ही रहा यहाँ तक कि 1965 में जो साइप्रस था वो बेजेंटाइन अम्पायर के अंदर चला गया था। बेजेंटाइन रूल के अंडर आ गया था ये, यानी बाइजेंटाइन हुकूमत इस पे जो है वो काबिज हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जब उस्मानी खिलाफत कायम होती है तो यहाँ पर जो है वो 1571 के अंदर जो है यहाँ पर ऑटोमन्स की अराइवल होती है, और ये इलाका जो है वो ऑटोमन्स के अंडर चला जाता है। इसके बाद इसको जो है 1878 में रशिया और यूके ने जो है वो ऑटोमन्स से सेपरेट करवाया था, और फिर ये जो कंट्री है ये बेसिकली ब्रिटिश की कॉलोनी बन जाता है। मतलब इनसे जो है वो फ्री मिलती है लेकिन ये ब्रिटिश कॉलोनी बन जाता है। दोस्तों 1960 में जो है वो साइप्रस को आज़ादी मिलती है ब्रिटिश कॉलोनी से, और इनका जो जो है इंडिपेंडेंस डे है वो भी 16 अगस्त 1960 को ये मनाते हैं। तो लिख लेते हैं इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके। दोस्तों यहाँ पर आज़ाद होने के बाद जो है ना, इसके जो अगर हम बात करें अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करूँ कि ये साइप्रस का बेसिकली आइलैंड है, तो इसकी जो नॉर्दर्न साइड है ना उस पर ज़्यादातर जो है ना टर्किश आबाद है, ठीक है, और इसकी जो साउदर्न साइड है वो बेसिकली ग्रीस के साथ लगती है, तो वहाँ पर जो है ना
ज़्यादातर ग्रीक पीपल लोग आबाद हैं। तो 1963 में जो है ना, यहाँ पर जो ग्रीक और टर्किश पीपल थे ना, उनके दरमियान टेंशन शुरू हो जाती है 1963 के अंदर। और ये बेसिकली स्टार्ट इसके कैपिटल निकोशिया के इधर से स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद 1964 में जो है ना, यूएन अपना पीस कीपिंग मिशन भेजती है पीस कीपर को, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मामला जो है वो काबू में नहीं आते। इसके अलावा 1974 में जो है वो यहाँ पर जो ग्रीक गवर्नमेंट थी उसने उसको जो है उलटने की कोशिश की जाती है टर्की की मदद से। टर्की के जो लोग थे, टर्की ने जो है वो साइप्रस का जो प्रेसिडेंट थे उनको टोपल करने की कोशिश की, और 1/3 ऑफ द आइलैंड्स के ऊपर जो है वो काबिज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये नॉर्दर्न एरिया जो है ना आइलैंड का, जो नॉर्थ वाली साइड पे है, इसके यानी इस एरिया में जो है वो आजकल टर्क्स आबाद है। और उन्होंने जो है वो फिर इसको 1983 के अंदर, 1983 के अंदर इस एरिया को एक अलग से कंट्री का नाम दिया, जिसको उन्होंने नाम दिया टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, जिसको हम शॉर्ट करके लिखते हैं TRNC, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो एक अलग से कंट्री का अपना ऐलान कर दिया, और इस कंट्री को जो है फिर सिर्फ रिकग्नाइज जो है वो टर्की नहीं किया अब तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि 2004 में जो है ये कंट्री यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन जाता है। यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने के बाद आपको पता है कि यूरोपियन पार्लियामेंट एक अलग से पार्लियामेंट है, फिर यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। तो इस वजह से जो है वो पूरे आइलैंड के ऊपर जो है वो यूरोपीय यूनियन के जो शराइत और जवाबित हैं, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो राइज हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो तनाव काफ़ी कम हो जाता है। तो 2004 में ही सेक्रेटरी जनरल थे उस वक्त के कोफी अनान, यूएनओ के कोफी अनान, जिनका ताल्लुक जो है वो घाना से था। और इन्होंने जो था वो एक अनान प्लान पेश किया था, और इस अनान प्लान के जरिए जो है वो एक जो है वो रिफरेंडम कराया गया था नॉर्दर्न साइप्रस के अंदर और रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के अंदर। ठीक है, जिसके जो है वो 65% टर्किश पीपल ने जो है वो इसके हक में वोट दिया था, टर्क्स ने, जबकि 74% ग्रीक ने अनान प्लान के अगेंस्ट वोट दिया, जिसकी वजह से ये जो है वो प्लान कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि मतलब मेजोरिटी ने जो है वो इसके अगेंस्ट दिया था। बहरहाल दोस्तों, अभी तक ये दुनिया के जो इश्यूज हैं, जो डिस्प्यूट हैं, जो अनरिजॉल्वेबल हैं अभी तक, तो ये उनमें शामिल है। बाकी दोस्तों जो ज़रूरी बातें थी साइप्रस के मुतल्लिक मैंने आपको बता दी हैं, तो इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में नेक्स्ट कंट्री के साथ मुलाकात होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।